हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे और मैं शैलेंद्र चौधरी आज फिर से कुछ नया अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। अभी तक मैक्सिमम जो लोग थे जिनके साथ फ्रॉड होता था नीड वीडियो कॉल के स्कैम का, वो ज्यादातर क्या होते थे? लड़के होते थे, आदमी होते थे, जो मतलब मेजोरिटी थी वो मेल्स की थी, करेक्ट। आज की मैं आपको केस में बताऊंगा कि ये जो केस है अब ये लड़कियों के साथ होना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में जो फितूर होता है वो फितूर किधर भी चेंज होता रहता है, तो अब हो सकता है कि अब ये जो फितूर है ये लड़कों के माइंड में इस तरीके से आ गया हो कि अब लड़कियों के साथ फ्रॉड करना चालू कर दो। क्योंकि हमारे कंट्री में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी कम है, जिसमें बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, जॉब ना करने के बजाय आप फ्रॉड करना चालू कर दो। तो हो सकता है कि किसी ऐसे ग्रुप ने या ऐसे किसी व्यक्ति ने इस तरीके का काम चालू कर दिया हो। ये मैं किस दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक व्हाट्सएप पर इस तरह की इंफॉर्मेशन आई। अब आप जैसा कि स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट पे जो मेरे पास मैसेज आया है ये एक लेडी का आया है और मैं आपको पूरा मैसेज पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी कुछ डाउट है, क्लियर कर दो। सर कुछ दिन पहले एक लड़के से FB पे बात किया और वीडियो कॉल किया था, उसने रिकॉर्डिंग कर दिया सर, बहुत वीडियो कॉल, बट वीडियो कॉल न्यूड नहीं था बट थोड़ा गलत टाइप था। फिर उसने कहा मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, FB डिलीट कर दिया था। सर मैंने आज फिर से उसको मैसेज करके कहा वीडियो कहाँ अपलोड किया, उसका लिंक दो, उसने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे सेंड कर दो, उसने नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मैं साइबर सेल में कंप्लेंट करूंगी, फिर उसने मजाक में लिया ये बात और उसने खुद मुझे को ब्लॉक कर दिया। बट उसने वीडियो अपलोड नहीं किया, मुझे डर है सर कहीं अगर बाद में कर दिया हो तो। सर प्लीज़ रिप्लाई दो सर, मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, मेरी डेट 4 से एग्जाम है, बहुत टेंशन में हूँ सर इस बात से। फिर मैंने उनको मैसेज किया, कॉल मी ऑन व्हाट्सएप, फिर उन्होंने मुझे लिखा सर मैं कॉल करती हूँ। तो अभी सबसे पहली बात अगर मैं इसमें बात करूँ, इन्होंने एक लाइन लिखी है, बट उसने वीडियो अपलोड नहीं किया, मुझे डर है सर कहीं अगर बाद में कर दिया हो तो। देखो सबसे पहली बात कि आपको कैसे पता कि उसने कहीं आपका वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि आपके पास ना तो लिंक है और ना उसने आपको कोई ऐसा एविडेंस दिया कि उसने आपका वीडियो अपलोड कर दिया हो। अब देखिए महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरीके के जो केस है इसकी शुरुआत हो गई है, करेक्ट। आज का जो वीडियो है इसलिए बहुत स्पेशली उनके लिए है जो लेडीज हैं। तो अब जो वीडियो कॉल का स्कैम होता था जेंट्स के साथ और उनको फंसाया जाता था, अब बारी लड़कियों की है, औरतों की है, बच्चियों की है। तो ये जो मैसेज आया हुआ है ये मैसेज अपने आप में एक डर का मैसेज है। इस मैसेज में डर नजर आ रहा है कि जिनके पास ये मैसेज आया है उनको डर लग रहा है कि उस बंदे ने उनका वीडियो कहीं अपलोड ना कर दिया हो। ये तो बात पूरी रही मैसेज तक की। अब मैं बात करता हूं इस मैसेज के परे। जिस बंदे ने आपको बोला कि आपका वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपके पास उसने कोई एविडेंस नहीं भेजा, करेक्ट। मैं मानता हूं कि हो सकता है उसने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया हो, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि उसने नीड वीडियो तो नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत गलत हो गया। जो थोड़ा बहुत गलत की जो भावनाएं हैं वो ये पूरी पब्लिक समझ रही है जो मेरा वीडियो देख रही है, वो थोड़ा बहुत गलत क्या होता है। तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि अब आपको घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए। देखिए उस बंदे ने अगर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर भी लिया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस बंदे ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो इस बात का ट्राई कर रहा है कि मैं इसको वायरल कर दूं वीडियो को या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी इसका लिंक सेंड कर दूं, तो वो बंदा आपको एक बार उस लिंक जरूर भेजेगा। आपको वो क्यों भेजेगा? आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको प्री इंफॉर्मेशन देने के लिए, सो दैट कि आप डर जाओ और डर के उसके हिसाब से जो वो काम करवाना आपसे चाहता है वो काम आप करो। जब तक आपके पास वो बंदा कोई लिंक नहीं भेजता है, कोई वीडियो नहीं भेजता है, तब
तक आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जो बंदे हैं जो आपको गुमराह करते हैं, ये पूरी तरीके से बेवकूफ होते हैं, पूरी तरीके से बेवकूफ होते हैं। इनके दिमाग में अकल नाम की चीज होती ही नहीं है। वो आपको मेरे हिसाब से केवल बेवजह डरा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो दैट कि आप डरे हुए रहो और आप हमेशा इस सदमे में जीते रहो और उसकी मनमर्जी करते रहो, वो जो आपसे चाहे। लाइक फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए वो आपको फिर दोबारा से अगर वीडियो कॉल करता है या फिर मैसेज करता है कि मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा तो आपको मेरा फोन उठाना है, वरना जो मैंने वीडियो आपका पहले बनाया था वो मैं आपका वायरल कर दूंगा। तो इस तरीके की वो आपसे चालू पंती वाली बातें कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल बहकावे में आना नहीं है। ये जो फ्रॉड अगर चालू हो गया है लड़कियों के साथ, जिस तरीके का मैसेज ये मेरे पास आया है, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। और उसको जो आपको मैसेज कर रहा है उसको तो आप बोल दो कि जा तुझे जहां वीडियो अपलोड करना है कर दे जाके। एक बार ये चीज आप व्हाट्सएप पर लिखो तो उसको, अपनी उंगलियों को एक बार ताकत तो दो कि आप उसको व्हाट्सएप मैसेज करो कि तुम्हें जहां ये वीडियो अपलोड करना है वहां पे ये वीडियो अपलोड कर दो। और फिर देखो वो खुद बंदा धराशायी हो जाएगा। अगर उसके पास वो वीडियो होगा तब भी वो कहीं किसी और को अपलोड नहीं करेगा, सबसे पहले वो आपको भेजेगा ये दिखाने के लिए कि देख मेरे पास तेरा वीडियो है, तू बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है और तेरा ये वीडियो मैं देख अब अपलोड करने जा रहा हूं। इस तरीके का वो मैसेज जरूर आपके पास आएगा। और अगर जैसे ही वो लिंक आपके पास आता है आप वो लिंक मुझे सेंड कर देना, मैं उस लिंक को तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा। इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए कि अगर मैं अपने किसी YouTube चैनल पर आपको अगर वीडियो में ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई लिंक आएगा और वो लिंक से अगर आपको डराया जा रहा है और वो लिंक अगर आप मुझे WhatsApp पे शेयर करते हैं, तो इस बात का मुझ पे बिलीव रखिए कि उस लिंक को मैं इमीडिएट बेसिस पे जितनी जल्दी होगा विद इन 24 आवर्स में उसको किसी भी प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दूंगा। इतना बिलीव आप मेरे पे मान के चलिए, क्योंकि इस तरीके के बंदे आपको हमेशा डराएंगे। इस तरीके के जो बंदे हैं वो कभी भी, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता होता है ना, वो कहीं भी जम जाता है, वैसे ये बंदे होते हैं कुकुरमुत्ते की तरह कभी भी पैदा हो जाते हैं। इनकी सोच कुकुरमुत्ते की तरह कभी भी पैदा हो जाती है। जिसे हम मशरूम कहते हैं उसको देसी लैंग्वेज में कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये बंदे कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं। इनको कुछ पता होता नहीं है कि क्या फ्रॉड होता है, क्या लिंक होता है, क्या शेयरिंग होती है, कुछ भी नहीं पता होता इनको। बस इनको क्या होता है कि सामने वाले को किसी तरीके से डरा दो और इतना डरा दो, इतना धमका दो कि वो बिल्कुल धराशायी हो जाए। और कल को मैं अगर बहुत आराम से स्टाइल से बैठ के फोन करूँ कि भैया मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, वीडियो कॉल, मेरा वीडियो कॉल उठाओ और कपड़े उतारो, तो लड़की तुरंत से कपड़े उतारना चालू कर दे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। ऐसे जो ये कुकुरमुत्ते हैं इनको मैं संभालना बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए आपको डरना नहीं है। सबसे पहले उसको बोलो कि अगर सही में तेरे पास वीडियो है तो मुझे लिंक सेंड कर या फिर वीडियो सेंड कर, फिर मैं देखती हूं कि तू कितना दमदार आदमी है। बात फिर उसके बाद चालू होगी। तो हिम्मत रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा हाई लेवल पे लेके रखिए। आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको डर लगता है वहां आप मुझसे आप कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना कि अब जो इस तरीके का लड़कियों के साथ जो फ्रॉड होना शुरू हो रहा है ये किस हद तक हो सकता है और इनको करने वाले लोग कहां के होंगे, किस लोकेशन के होंगे, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, उनके आंसर फिर अगले वीडियो में हम जरूर देंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्पेशली गर्ल्स लेडीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी सही थी और कितनी गलत थी और इससे आप कितना सावधान आगे रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।